अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मुबाशरा, वेलकम टू द वॉइस ऑफ सिंध। और आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस रिलेटेड। स्ट्रेस डिप्रेशन का बहुत हम सुनते भी हैं और हर कोई अपने अपने मशवरे लगातार दे रहा होता है, बट कौन सी ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जिससे हम ये स्ट्रेस को एलिवेट करें। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे पास, टिप है। बेसिकली हमने सैरी पे क्या करना है, वेजिटेबल यानी ककड़ी, क्यूकम्बर, लेटस के पत्ते और इसके साथ साथ ककड़ी, ये सारी चीज़ों को हमने सैलड बनाना है। इसके साथ हम उसके ऊपर हमने 2 से 3 पीनट्स डालने हैं और अखरोट एक, सिर्फ एक अखरोट हमने लेके उसको छोटे छोटे पीस करके उस पाउडर सॉल्ट हमने बना के उस पर लेमन डालना है और अंगूर आपने काफ़ी हद तक उस पर स्प्रेड आउट करने हैं। नाउ ये आप तकरीबन पूरे 2 बोल यानी आप इतनी मकदार में फ्रूट ये आप ले सकते हैं आराम के साथ, और इसके साथ साथ आपने सब्स चाय का इस्तेमाल करना है। नाउ रहा इफ्तारी पे कौन सी ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए, स्पेसिफिकली कार्डमम जिसको हम इलायची कहते हैं, इलायची और नट मैग कहलाती है। ये आपको ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा, होल इसको हेज़ल नट भी कहते हैं, होल आपको नट मिलेगा। ये बहुत बहुत मुफीद है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा शिकायत है और स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स बहुत होते हैं। तो ये आपने हेज़ल नट या नट मैग ये ज़रूर इस्तेमाल करें। तकरीबन हैंडफुल अगर आप ये लेते हैं, बेहतरीन स्किन होगी, हेयर फॉल नहीं होगा, आईब्रोज फॉल नहीं करेंगी, काफ़ी लोगों की कम हो जाती है स्ट्रेस की वजह से, पलकें बहुत ज़्यादा थिक रहेगी एंड एट द सेम टाइम आपका वज़न कंट्रोल में रहेगा। तो ये तो रही स्ट्रेस फैक्ट बेस। अब आपको क्या करना चाहिए इफ्तारी में, अगेन स्टार्टअप आप करेंगे, इसमें कोई पकोड़े, समोसे, रोल वगैरह नहीं है, सिंपल आपने मशरूबात जो भी हैं, चाहे आप कोई भी शरबत ले लें उसमें तुख मलंगा डाल के वो आप आराम से ले सकते हैं। हैंडफुल ऑफ नट मैग अगर आप लें तो ये मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी डाइट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को चुस्त फील करेंगे। रात में आपने फ़िश ले लेनी है, 9 बजे के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फ़िश स्टेक लेनी है जो फिले होती है, और उसके साथ 2 बेक्ड पोटैटोज़ यानी पोटैटो को अगर आप बेक कर लें तो परफेक्ट डाइट प्लान होगी। सो इसके साथ साथ विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड स्ट्रेस बस्टर है। सो आप लोगों के साथ फिर मुलाकात भी होगी और बात भी होगी। इजाज़त दीजिए डॉक्टर मुबाशरा को, अल्लाह हाफिज़।